हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। क्या होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी? फर्स्ट इंट्रोडक्शन। इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंटीजन्स आर डिस्ट्रॉयड बाय इम्यून सेल। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीजन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं इम्यून सेल्स के द्वारा। हेयर टी सेल प्ले ए मेजर रोल। बी सेल एंड एंटीबॉडीज हैव नो रोल इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें जो होता है, जो मतलब होता है ना एंटीजन जो डिस्ट्रॉय होते हैं, जो मतलब होता है ख़त्म हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उसमें टी सेल वो रोल प्ले करता है, और इसमें बी सेल और एंटीबॉडीज़ का कोई रोल नहीं होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। इट इज़ एन एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये एक तरह का एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है। इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंट्रा सेलुलर फॉरन एंटीजन आर किल्ड। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फॉरन एंटीजन मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस, ये सब जो होते हैं ये किल्ड हो जाते हैं, मारे जाते हैं। प्रोटीन एंटीजन आर ब्रिंग अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। प्रोटीन एंटीजन जो होते हैं वो लाया जाता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा। इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेलुलर एंटीजन आर हैंडल्ड हेयर सेल्स एंड टिश्यू आर डैमेज्ड। यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, सेलुलर एंटीजन जो होते हैं वो हैंडल किए जाते हैं, और यहाँ सेल और टिश्यू जो है वो यहाँ डैमेज्ड होते हैं। कैंसर सेल आर किल्ड बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ तक कि कैंसर सेल्स जो होते हैं वो भी मारे जाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा। मैकेनिज्म ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे काम करता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स? तो एलिमिनेशन ऑफ पैथोजन बाय द इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो पैथोजन्स का जो एलिमिनेशन होता है इम्यून सेल्स के द्वारा, उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज ब्रॉट अबाउट बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन्स, मैक्रोफेजेस एंड टी सेल। जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है ये कब होता है, तो जब इंट्रैक्शन होता है एंटीजन का, मैक्रोफेजेस का और टी सेल का, जब ये तीनों का जब इंट्रैक्शन होता है तब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बनता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। द एंटीजन इंटर्स द बॉडी। सबसे पहले एंटीजन जो होगा वो इंटर करेगा बॉडी में। द एंटीजन इज आइडेंटिफाइड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और वो एंटीजन जो है वो आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के द्वारा। द एपीसी मतलब दैट मीन्स कि द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंटरलाइज द एंटीजन बाय इंडोसाइटोसिस। वो जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो स्वेल है, वो निकल जाएगा किसको, तो एंटीजन को, एज किसके, इंडोसाइटोसिस के द्वारा। द एंटीजन इज प्रोसेस्ड एंड डिग्रेडेड इंटू पेप्टाइड फ्रेगमेंट बाय द एपीसी। एंटीजन जो है वो अपना प्रोसेस में आगे बढ़ेगा और डिग्रेडेड होगा पेप्टाइड फ्रेगमेंट में एपीसी के द्वारा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीजन प्रोसेसिंग। इस प्रोसेस को एंटीजन प्रोसेसिंग कहा जाता है। द पेप्टाइड फ्रेगमेंट इज लोडेड ऑन द एमएससी मॉलिक्यूल टू फॉर्म पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, पेप्टाइड फ्रेगमेंट जो होता है उसको लोड किया जाता है एमएससी मॉलिक्यूल पर, ताकि पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स बन सके। द पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स इज डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ एपीसी। वो जो पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ होता है वो डिपोजिट होता है एपीसी के सर्फेस पर। दिस इज कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटेशन। और जो वो डिपोजिट होता है पेप्टाइड एमएससी कॉम्प्लेक्स, उसको एंटीजन प्रेजेंटेशन कहा जाता है। द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द एपीसी इज आइडेंटिफाइड बाई टी एच सेल और टी सी सेल। वो जो एंटीजन जो प्रेजेंट रहता है एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में, उसको पहचाना जाता है टी एच सेल के द्वारा या फिर टी सी सेल के द्वारा। द एक्टिवेटेड टी एच सेल बाइंड विथ टी सी सेल। वो एक्टिवेटेड टी एच सेल जो है वो बाइंड करता है टी सी सेल के साथ। द टी सी सेल एक्टिवेटेड बाई टी एच सेल और पेप्टाइड क्लास वन एम एस सी कॉम्प्लेक्स अंडरगोज प्रोलिफरेशन एंड प्रोड्यूस ए क्लोन ऑफ टी सी सेल। क्या होता है ना कि लास्ट में क्या होता है, टी सी सेल जो है वो एक्टिवेट करता है, एक्टिवेटेड होता है वो टी एस सेल के द्वारा या फिर पेप्टाइड क्लास वन एम एस सी कॉम्प्लेक्स के द्वारा। उसके बाद वो प्रोलिफरेशन प्रोसेस में जाता है, फिर प्रोड्यूस करता है एक क्लोन, टी सी सेल का एक क्लोन जो है वो प्रोड्यूस करता है। आपको एक फिगर के माध्यम से ये जितना प्रोसेस है वो आपको लिखना है, तो अगर आपके पास कम टाइम हो तो वो फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा तो भी हो जाएगा। फिगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है।
सबसे पहले तो पैथोजन इंटर करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, उसके बाद वो निकलेगा, स्वेल कर रहा है इंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड जहाँ पे एंटीजन प्रोसेसिंग चल रहा है। दो तरीके से होगा वो, एक है एपीसी, दूसरा है एपीसी एंटीजन प्रेजेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ये आपको पूरा बनाना है एग्जाम में। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, क्या क्या काम है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहला है इम्यून सर्वेलेंस, इसमें क्या होता है, द केयरफुल वॉचिंग रिकॉग्नाइजेशन एंड किलिंग ऑफ ट्यूमर सेल बाय द इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यून सर्वेलेंस। इम्यून सर्वेलेंस का मतलब होता है ना, एक तरीके से किसी भी ट्यूमर सेल को मारने के लिए, फिर उसको रिकॉग्नाइज, उसको देखने का उस तरह के मतलब है इम्यून सिस्टम के द्वारा जब किया जाता है तो उसको इम्यून सर्वेलेंस कहा जाता है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको लाया जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा ये होता है। उसके बाद है ग्राफ्ट रिजेक्शन, द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू बिटवीन जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल बाय द सेम ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड एलोग्राफ्ट। वो जो ट्रांसप्लांटेशन होता है टिश्यू का, एक होता है ना जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल इंडिविजुअल के बीच एक सेम स्पीसीज का, तो उसे एलोग्राफ्ट कहा जाता है। एलोग्राफ्ट डीके एंड डिजरेट्स, एलोग्राफ्ट जो होता है वो डीके होता है और डिजरेट्स होता है। इट इज़ कॉल्ड ग्राफ्ट रिजेक्शन, जिसको ग्राफ्ट रिजेक्शन कहा जाता है। इट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के द्वारा ही लाया जाता है। बस ये दो फंक्शन आपको लिखना है।